अरावड़ी रेंज में बसे खोरी गांव के लोगों पर मुसीबतें पहाड़ बनकर टूट पड़ी हैं। एक ओर एक साथ 40,000 लोग बेघर होने की कगार पर हैं, वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी में उनका काम भी छिन गया है। अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से बनाए घर को ढाए जाने के सदमे ने एक 70 साल के बुजुर्ग को इतना मजबूर कर दिया कि बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली। घर हो रहे हैं, पानी का रोका जा रहा है, साइकिल से पानी ले जा रहे हैं, वो भी रोक रहे हैं। दिल्ली भी तो जा रहे थे, दिल्ली जा रहे हैं तो हम जहाँ जाएं जाने में रोक रहे हैं। हम किसके पास जाएं अगर सरकार के पास तभी तो हमारा सुनेगा। ये पुलिस वाले सब रोक रहे हैं, बैरियर रोक दिए हैं, हम लोगों के बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, तो कहीं तो जाएंगे तभी तो हमारा कोई सुनवाई होगा। घर बैठे हो जाएगा और घर खाली हो रहा है, सामान वापस ले जाओ कहाँ ले जाएं? 15 साल से रह रहे हैं, कहाँ लेकर जाएं हम इस वक्त में? क्योंकि उन्होंने कर्ज लेकर घर बनाया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अरावली रेंज में बसे खोरी गांव के 40,000 लोगों को हटाए जाने का फैसला दिया। कोर्ट के फैसले के बाद खोरी गांव के लोगों की झुग्गी झोपड़ियों को गिराने का काम शुरू हो गया। फरीदाबाद प्रशासन और पुलिस भी इलाके को खाली करवा रही है। वहीं लोगों और प्रशासन के बीच संघर्ष कम से कम हो, इसी कड़ी में पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें काफी संख्या में पुलिस बल ने हिस्सा लिया। खोरी गांव ये लोग तोड़ रहे हैं ना, इसीलिए हम इकट्ठे हो गए। दिल्ली कूच करने वाले थे आप, तो क्यों नहीं जा? नहीं हो पाया ना, हमारे नेता को इन लोगों ने सुबह ही गिरफ्तार कर लिया। तो फिर आप कैसे करेंगे? तो यही नहीं समझ में आ रहा ना, उधर से कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है कि हम आगे जाएं कि घर जाएं, इसीलिए सब रुके हुए इंतजार में। सुबह 6 बजे से यहाँ पर बैठे। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खोरी गांव के अवैध घरों को हटाया तो जा रहा है, लेकिन उनका पुनर्वास कहां और कैसे होगा, इसकी कोई योजना किसी के पास नहीं है। वहां रह रहे लोगों की जिंदगी जैसे थम सी गई है। फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उनका घर उजाड़ दिया, वो भी कोरोना महामारी के बीच, वो कहां जाएं? बता दें कि इस गांव के रहने वाले अधिकतर लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड है, इसके बावजूद अपने आशियाने ढा दिए जाने से वो मायूस हैं। वहीं इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी सरकार ऐसे लोगों के पुनर्वास की योजना पर विचार कर रही है, लेकिन पुनर्वास सिर्फ उनका ही होगा जो हरियाणा के रहने वाले हैं। ऐसे में जहां एक ओर सरकार के लिए खोरी गांव के लोगों का पुनर्वास करवाना किसी चुनौती से कम नहीं है, तो वहीं सबसे बड़ी समस्या तो खोरी गांव के लोगों के सामने भी है कि वो महामारी के इस दौर में अपने लिए छत कहां ढूंढेंगे।